10 अप्रैल सुबह करीब 7 बजे, गोकुलपुरी, नई दिल्ली। छत से बहू नीचे आई और कमरे की हालत देखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसका पति रवि नीचे दौड़ा आया और कमरे का हाल देखकर उसके फाकते उड़ गए। उसके 72 साल के पिता और 69 साल की माँ दोनों की हत्या हो गई थी। पड़ोसी भी चले आए और पुलिस को भी बुला लिया गया। पहली नज़र में ये चोरी और हत्या का मामला लगा। अलमारी में रखे करीब 4.5 लाख रुपए और गहने गायब थे। जिनकी हत्या हुई उन्होंने मकान का आधा हिस्सा बेचने की डील की थी और बयाने के 5 लाख रुपए मिले थे। 50,000 खर्च हुए, अब 4.5 लाख रुपए बचे थे। पुलिस को शक हुआ कि हत्या में कोई करीबी शामिल है। परिवार वालों से कड़ी पूछताछ की गई। रात होते होते जो राज निकलकर सामने आया उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले चीखने वाली बहू हत्यारी निकली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक पॉडकास्ट और मैं हूं आसिफ खान। सरकारी स्कूल के रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल और उनकी पत्नी गोकुलपुरी के 100 गज के घर में परचून की दुकान चलाकर मस्त थे और ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि 38 साल का बेटा, 30 साल की बहू और 6 साल का पोता पहली मंजिल पर रहते थे। पड़ोसियों का कहना है कि 38 साल से ये परिवार यहीं रहता है। अब आती है वो सच्चाई जो दिल को दहला देगी। जैसा हमने आपको बताया कि बुजुर्गों ने आधा हिस्सा बेचने की डील की थी। शायद बहू खुश नहीं थी क्योंकि उसके हिस्से कुछ नहीं आया था। उसने एक खतरनाक प्लान बनाया और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। जिस रात यह हादसा हुआ उसके पहले ही बहू ने अपने दोस्त और उसके एक साथी को घर के पीछे से सीधे छत पर पहुंचा दिया था। आपको बता दें कि यह घर दो तरफ से खुला हुआ है। सामने वाले दरवाजे की तरफ सीसीटीवी होने की वजह से पीछे का रास्ता चुना गया। बेटा जब अपनी कपड़ों की दुकान बंद करके घर आया तो करीब 10:30 बजे वो अपने माँ बाप से भी मिला। बताया जा रहा है कि बहू ने खाना खिलाने के बाद अपने पति को कुछ नशे वाली चीज़ पिला दी ताकि उसे किसी बात की भनक न लगे। इसके बाद देर रात हथियारों ने इस कांड को अंजाम दिया। सास को भारी हथियारों से चोट पहुंचाई, दोनों लोगों का गला रेता गया और ससुर के सीने में खंजर भोंके गए। इसके बाद बहू के साथियों ने घर को तितर बितर कर दिया ताकि चोरी और हत्या का मामला लगे, और फिर वो नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। सुनने में ये भी आ रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाला एक व्यक्ति बहू का प्रेमी है और एक बार सास ससुर ने बहू को रंगे हाथ पकड़ा भी था। ये भी एक वजह थी सास ससुर को रास्ते से हटाने की। सुना आपने कि एक बहू किस हद तक जा सकती है। सजा तो उसे कानून देगा और जो भी देगा वो कम होगी, क्योंकि ये गुनाह माफी के लायक नहीं है। न जाने इस समाज को क्या होता जा रहा है। एक बहू की घटिया सोच और पागलपन ने एक घर को बर्बाद कर दिया। हर रिश्ते में यकीन होता है और यकीन मानिए, जहां यकीन होता है धोखा भी वहीं होता है। अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।